इसमें आपका, इसके अगर हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू से आपको जो दिखाई देगा इसमें, पहले तो बाहर का इसमें एक स्क्वायर दिखाई देगा, फिर अंदर से आपको एक सर्कल दिखाई देगा ये वाला, फिर अंदर दो सर्कल दिखाई देंगे एक डी और एक पॉइंटेड डी का। फ्रंट व्यू में इसके दो फेसेस आपको दिखाई देंगे, एक ये फेस और एक ये फेस आपको दिखाई देगा। अब हम इसका जो डायमीटर है, सपोज कोई हम एक नट हम बनाते हैं स्क्वायर नट, उसका डायमीटर हम लेते हैं 20 mm, तो उसका डब्लू हो जाएगा आपका 33 mm, यानी कि ये जो सर्कल बनेगा ये आपका 33 mm का होगा। और रूट टू डब्लू यानी कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका होगा रूट टू डब्लू यानी कि 46 mm, और चैम्फर का जो रेडियस है आपका आर, ये होगा 2D यानी कि 40 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो साइज अक्रॉस कॉर्नर है यानी कि रूट टू डब्लू, इसका हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल को बनाने में इसके अंदर हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए जो इसके कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हमें एक स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे। अब स्क्वायर आप जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपका एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल का जो डायमीटर होगा आपका एक डब्ल्यू के इक्वल होगा यानी कि 33 mm का। तो इसके अंदर आप एक सर्कल बना लेंगे। ये 33 mm का डायमीटर का एक सर्कल आप यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद इसके अंदर आपको दो और सर्कल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक डी और एक पॉइंटेड डी का है। तो डी यानी कि आपका 20 mm हो जाएगा, और पॉइंटेड डी यानी कि आपका हो गया 16 mm का। तो ये 16 mm का अंदर वाला आपका बनेगा, बाहर वाला आपका डी यानी कि 20 mm का, और अंदर वाला आपका है 16 mm का। इसके बाद चाहे तो आप जो आपका बाहर का सर्कल है इस सर्कल को आप मिटा सकते हैं, या लाइट है तो बहुत ज्यादा लाइट आपने बनाया है इसको आप रहने दे सकते हैं। इस तरीके से इसका जो टॉप व्यू है ये कंप्लीट होता है। अब इसका इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऊपर, से यहाँ पे प्रोजेक्शन जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो इसका थिकनेस है, थिकनेस आपका है 0.82 0.8 d to d। तो सपोज हम इसका जो थिकनेस है t इज इक्वल फ्रॉम d के इक्वल मानते हैं, t इज इक्वल टू d यानी कि 20 mm, तो 20 mm यहाँ पे इसकी हाइट लेंगे यानी थिकनेस लेंगे, और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से मिला देंगे इसको। अब इसके बाद इसका जो इसका सेंटर निकालेंगे, जो दो आपके पास फेसेस आए फेसेस का सेंटर निकालेंगे आप। सपोज इसका सेंटर ये आता है और इसका सेंटर हम निकालेंगे, तो सपोज इसका सेंटर आपका ये आता है। ये इसका सेंटर आता है। अब यहां पे आपको चैम्फर बनाना है, चैम्फर बनाने के लिए जो रेडियस है आपका ये 2D है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रकार रखे पेंसिल से 2D का मार्क लगाएंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आता है, और फिर इससे एक चाप यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से इस तरीके से, और सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे हम, 2D का एक मार्क यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चैम्फर जो रेडियस है इसके थ्रू ये आर्क यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद इसको आप हटा सकते हो, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आप एंगल आएगा ये 30 डिग्री का एंगल आएगा, इस तरीके से आप चाहे तो इसको बना सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ये आपके पास जो दो लाइन आ रही है ये आप इनको आप डॉटेड में दिखाएंगे, और इस जो आपने सेंटर लाइन बनाया था इसको चाहे आप हटा सकते हैं। तो ये आपका जो फ्रंट व्यू है स्क्वायर नट का, ये फ्रंट व्यू आपका रेडी है, ये इसका टॉप
टॉप व्यू। अब इसमें डायमेंशन देनी है आपको, तो डायमेंशन देने के लिए आप इस तरीके से दे सकते हैं, ये आपका टी, चाहे तो लिख सकते हो टी इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस इसके बाद जो आपका ये सर्कल है पाई डी, जो इनर सर्कल है आपका 0.8 डी, सॉरी पाई 0.8 डी, और जो ये सर्कल है आपका इस तरीके से आप इसमें डायमेंशन देंगे। तो अगर हम कोई भी एक आउटर स्क्वायर नट है उसको हम इस साइड से यहां से फ्रंट व्यू से यहां से देखते हैं, तो यहां से देखने पे इसका जो व्यू बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से आपको स्क्वायर नट के दोनों व्यू आपके